वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू गोपाल विद मम्पीज ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है, मैंने अभी चाय चढ़ा दी है। तो देखिए चाय बिस्किट रेडी है, तो आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो अभी टिफ़िन भी मैंने रेडी कर दिया है, बच्चों का सुबह का लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। तो बच्चों को अभी मैं स्कूल भेज दी हूँ। तो अभी मैं अभी ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, तो अभी मैं खुद ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। बच्चों को आज पनीर पराठा दिया था टिफ़िन में, और मैं अभी जो है ब्रेड बटर खा रही हूँ। तो चलिए ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी सारे जो काम है वो सब करूँगी। तो वही कर रही हूँ, अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो सुबह का मौसम काफ़ी ही गर्माहट है, बहुत ही गर्मी है। आज एक जगह पार्टी है रात को, तो इनवाइट है, तो वहाँ पर भी जाना है। तो इसीलिए सारे काम फटाफट फिनिश करने होंगे, तो सारे काम फटाफट निपटाऊंगी। तो उससे पहले अभी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद सारे काम अभी निपटाऊंगी धीरे धीरे। तो चलिए काम निपटा लेती हूँ। तो मिस्टू को स्कूल छोड़ के आई हूँ, अब राइमा को स्कूल छोड़ने जाऊँगी। तो दोनों का ही टाइमिंग अलग अलग है, तो उससे पहले मैं राइमा का वाटर बॉटल रेडी करूँगी, टिफ़िन रेडी करूँगी, उसके बाल बांधूँगी, तो वो ये सब रेडी करूँगी। तो उसका जो भी कुछ है बुक्स वगैरह सब कुछ रेडी करूँगी। तो चलिए फटाफट से ये सब रेडी कर देती हूँ, उसको तैयार कर देती हूँ स्कूल के लिए जाने के लिए, तो थोड़ा सा टाइमिंग मिल जाता है। तो इसके बीच इसीलिए थोड़ी सी तैयारियाँ हो जाती है। तो चलिए तैयार कर देती हूँ, उसके बाद उसको फिर स्कूल भेज देती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। अभी मैं राइमा के बाल बांधूंगी, क्योंकि वो अभी स्कूल के लिए निकलेगी, तो इसीलिए तो स्कूल के लिए तैयार करूंगी। तो चलिए ये ब्लैक गार्डर मैंने ले लिया है रबड़ बैंड, तो इसी से मैं उसकी बाल बांधूंगी। तो चलिए राइमा का बाल मैं बांध लेती हूँ। राइमा बाल में जट्टा चढ़ाने टाइम इतना रोती है ना कि क्या बताएं। आज तो चुपचाप कैमरा के सामने बाल बांध रही है, मुझे देख के आश्चर्य लग रहा है। नहीं तो दूसरा दिन बहुत चिल्लाती है, बहुत रोती है, बोलती है मम्मा मुझे छोड़ दो, मुझे लग रहा है। आज कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप बांध रही है। मुझे लगता है डेली कैमरा ऑन करके ही उसके बाल बांध, जिससे कि वो आराम से अपने बाल में जुड़े बना ले, बाल बांध ले, आराम से बाल को पौनी बना ले। इसीलिए तो अभी देखिए एकदम चुपचाप से बैठ के अपने बाल बंधवा रही है। तो मैं तो अभी देख के पूरा शॉक्ड हूँ कि क्या बात है भाई। तो देखिए राइमा का बाल बांधना हो गया है, और राइमा कर रही है अभी मेरी स्माइली। तो राइमा को देखिए, तो मेरी सोनू सी राइमा अभी रेडी हो गई है, तो अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है। तो बस अभी निकलने वाली है थोड़ी ही देर में, तो अभी बस उसको थोड़ा सा बाकी सारे जो भी है टिफ़िन वगैरह वो सब दे दूँगी, और बाकी सारे जो ज़रूरत का सामान है वो सब दे दूँगी। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय कर रही है राइमा, तो चलते हैं बाकी सारे काम की ओर। तो राइमा को स्कूल के लिए पूरा रेडी कर दिया है, अब कुछ ही देर में राइमा स्कूल के लिए भी निकलेगी। तो सब तैयारियां कर दी मैंने, बस अब निकलेगी कुछ ही देर में। आज मुझे दोपहर को आलू भरा पराठे खाने का मन हो रहा था, आलू के पराठे, तो मैंने आज आलू के पराठे बनाए और दही साथ में था, तो वही मैं आज लंच करूँगी। तो वही मैंने लंच के लिए ले लिया है, और अब मैं लंच करने के लिए बैठ चुकी हूँ। तो अब मैं लंच कंप्लीट करूँगी, तो देख सकते हैं। तो चलिए लंच कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी मैं लंच करने बैठ चुकी हूँ, और रात का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। साड़ी वाड़ी चूज़ करना है, आप भी लीजिए पहनने वाला, उसके बाद मैं लूँगी। तो रात का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन जैसे कि शुरू कर दिया है साड़ी वाड़ी चूज़ करने का, देखती हूँ साड़ी पहनूँगी कि दूसरा कुछ सूट वगैरह पहनती हूँ। तो अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है एग्जैक्टली, और बच्चों का भी देखना पड़ेगा क्या पहनाऊँगी क्या नहीं, तो देखती हूँ सेलेक्ट करके, फिर जब रेडी होंगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है क्या पहनना है क्या नहीं, तो वही सिलेक्ट कर रही हूँ।
तो कहीं पर जाने से पहले ये सब इंतज़ाम करना, सेलेक्ट करना भी एक बड़ी काम होता है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये सब सोचना भी एक बहुत ही बड़ा एक काम होता है। तो जब तक ना सेलेक्ट करके रखो, और सेलेक्ट करके रखने से पहले से सुबह से ये सब काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, यही होता है। तो यही है, तो देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। और बाकी सारे काम अभी तो हो चुके हैं, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आराम करूँगी और उसके बाद ही कुछ करूँगी बाकी सारे काम। और मौसम तो बहुत ही गर्मी चल रही है, बहुत ही गर्मी हो रखा है बाहर में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा निकल रही हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा सामने ही थोड़ा सा मार्केट निकल रही हूँ, थोड़ा सामने ही मार्केट है तो वहीं पर जा रही हूँ। तो वहाँ से थोड़ा सा कुछ कुछ सामान लेना है मुझे, तो वही सब लूँगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ बने रहें। तो थोड़ा सा कुछ लेना है तो वही सब लूँगी, तो ले कर फिर वापस आ जाऊँगी जल्द ही, क्योंकि शाम हो ही चुकी है और संध्या बाती वगैरह भी देना है मुझे, तो फिर जल्दी से लौट कर भी आना है। तो वही थोड़ा सा निकल रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ बने रहें। बाहर अभी अभी भी काफ़ी धूप है, बहुत धूप है, देख सकते हैं। अभी तक दोपहर हो चुकी है, फिर भी धूप की कोई कमी नहीं है, इतनी धूप है। तो कोई नहीं, अब काम है तो निकलना ही पड़ेगा, क्या किया जा सकता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए रास्ते में काफ़ी धूप है। तो एक ये लिया है मैंने, देख सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। मी का ये लिया है एक, और मैं एक काजल ली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं ली, और एक दो सामानें ली हैं बस। तो मैं निकल चुकी हूँ, तो चलिए घर के लिए निकलती हूँ। काफ़ी धूप है, बाहर रहा नहीं जा रहा है, बहुत ही धूप है। इतने धूप में बाहर रहना एक मुसीबत ही है। तो ये सभी लिया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, कुछ कुछ सामानें थी थोड़ा थोड़ा करके, तो वही सब ले लिया। अब मैं घर आ चुकी हूँ, तो बस अब घर आके जान बची मेरी, क्योंकि इतने धूप है, बाहर रहा नहीं जा रहा है, बहुत ही धूप है। लंच बनाया था मैंने, दाल बनाया था, सोयाबीन का सब्जी बनाया था, अंडा करी बनाया था, और यही सब बनाया था। मेरे लिए आलू का पराठा बनाया था, ये लोग के लिए, बच्चों के लिए, फिर हस्बैंड के लिए ये सब बनाया था, क्योंकि वो लोग को चावल खाना था। इसलिए मैं अब स्कूल के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि मिस्टू को लाने जा रही हूँ स्कूल में, स्कूल से। तो इसीलिए, तो अभी तो काफ़ी धूप है, बहुत ही धूप है, तो थोड़ा सनग्लास पहन लिया और पूरा ढक के जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी धूप से बच सकूँ तो बहुत है। तो बहुत ही काफ़ी धूप है, जैसे कि पता ही है, तो इसीलिए। तो चलिए चलते हैं अब, और मिस्टू को लेकर आती हूँ, और बच्चों को भी बहुत ही परेशानी हो रही है। सो फ्रेंड, मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पार्टी का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।